माई चैनल सिंपल इंटरवेंशन, दिस इज मधुलिका चैटर्जी एंड टुडे आई एम बैक विथ येट अनदर वीडियो। तो आज जहाँ पर मैं हूँ एक बहुत अलग से लोकेशन में हूँ। मेरे पीछे जो है वो है हॉनेबर्ग कासल इन जर्मनी। तो मैं फिलहाल अभी जर्मनी आई हूँ और आप सब लोगों के साथ मैं आज का मेरा पूरा इवनिंग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं कैसा है ये कासल। कासल की तरफ जब हम बढ़ रहे थे यहाँ पर हमें कुछ शीप्स दिखे, और सिर्फ शीप ही नहीं काफ़ी सारे गोट्स भी थे यहाँ पर। बहुत सारे फैमिलीज़ जो है इन्हें कुछ कुछ फ्रूट्स वगैरह खिला रहे थे, पर काफ़ी अच्छा लगा ऐसा एक इवनिंग में एक ऐसा सीन देख के। इट वाज रियली नाइस। यहाँ पर काफ़ी लोग अपने डॉग्स को भी वॉक कराने के लिए ले आते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर कैंपिंग भी करते हैं। और सिर्फ कैंपिंग ही नहीं, यहाँ पर बारबेक्यू करने की भी काफ़ी जगह है, तो लोग यहाँ पर वीकेंड्स में बारबेक्यू करने भी आते हैं। हमारे सामने दिस इज़ द रुइंस ऑफ द हॉर्नबर्ग कासल। ये कासल लोकेटेड है टुटलिंजन, इस छोटे से टाउन में जो कि बाडन वुर्टेम्बर्ग की डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये एक बहुत ही पुरानी सी कासल है। इट वॉज बिल्ट इन 1460। ये कासल बिल्ड की गई थी बाय एबरहार्ड वन, जिसे किंग ऑफ वुर्टेम्बर्ग या फिर ड्यूक ऑफ वुर्टेम्बर्ग भी कहा जाता है। हमारे सामने जो है वो है रुइंस हॉनेबर्ग कासल की। दिस कासल वॉज डिस्ट्रॉयड इन अ 30 years war। 30 साल के लगातार वॉर में ये कासल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, और आज हमारे सामने ये रुइंस है। ये वॉर अराउंड 1645 दौरान हुई थी। ड्यूरिंग द ईयर ऑफ 1803 देर वॉज अ ह्यूज फायर विच टुक प्लेस, and at that point of time इस castle के जो stones है, the stones of this castle were used as building material for the reconstruction of this city of Tuttlingen। यहाँ से हम पूरी टुटलिंजन सिटी को देख पा रहे हैं, और ये बहुत ही एक अच्छी सी व्यू है। फ्रॉम हियर वी कैन सी द होल सिटी ऑफ टुटलिंजन। बहुत ही सुंदर लग रहा था, अभी तो सनसेट है एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल। नाइनटीन सेंचुरी के दौरान ये जो आप टावर देख पा रहे हैं, ये जो रेड कलर में,
इस तरीके की दो टावर जो है ये रीबिल्ट करी गई थी, और आज के टाइम पे ये कुछ इस तरीके की दिखती है। हाय गाइस, तो अभी हुआ है 7 o'clock इन द इवनिंग और अब हम लोग जा रहे हैं डिनर के लिए। तो हम लोगों ने काफ़ी जगह पे फाइंड आउट किया ऑनलाइन देख के कि कहाँ हम जा सकते हैं एक अच्छे डिनर के लिए। सो नाउ वी आर ऑन आवर वे टू अ ग्रीक रेस्टोरेंट वेयर वी आर गोइंग टू गो टुडे एंड हैव आर डिनर। तो चलिए देखते हैं कैसा है ये रेस्टोरेंट। तो जर्मनी में आके तो फिलहाल अच्छा ही लग रहा है। छोटा सा टाउन है जहाँ पर हम लोग आए हैं और कासल तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत सुंदर था। दो इट वॉज रुइंस बट स्टिल इट वॉज क्वाइट गुड एंड वहाँ से जो व्यू थी सिटी की वो भी काफ़ी अच्छी थी। सो हाउ आर यू लाइक इन जर्मनी? आई एक्चुअली लाइक इट, वेरी काम। वी आर लिविंग टुडे in one of the suburbs of Germany, somewhere close to Black Forest. So it's very calm, it's beautiful, very different landscape, more flatter landscape than Switzerland. And obviously when we were driving on the Autobahn, we could see many cars driving over 120 km per hour speed limit, which we of course don't see in Switzerland. But yahan pe kafi sare चीज थोड़े डिफरेंट हैं स्विट्ज़रलैंड से, ऑल दो दोनों देश जर्मन बोलते हैं, बट अच्छा देश है। इज गुड फॉर वीकेंड गेट ओवर। चलिए देखते हैं हाउ दिस कंटिन्यूज। सो वेयर आर वी गोइंग नाउ? सो वी आर गोइंग टू अ ग्रीक रेस्टोरेंट। ओके, व्हिच आई हैव हर्ड इज अमेजिंग। सो आई हैव नेवर ट्राइड ग्रीक फूड इन माय लाइफ। आई ऑल्दो डिड ट्राई फूड फ्रॉम साइप्रस, बट शायद ग्रीक फूड उससे भी बेहतर होगा। तो देखते हैं उनके क्विजीन में क्या है। सो लेट्स गो एंड ईट। ये have the salad first and after this we have already ordered for our main course, so let's enjoy the salad. So here I have my Greek speciality and Habi, show me yours. Yeah. And looks good, lot of food on the table. Bon appetit.
मेरी इवनिंग की ब्लॉग अच्छी लगी है. अगर अच्छी लगी देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो विथ योर फीडबैक्स. सी यू गाइज अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय.